वीडियो को मुकम्मल देखना है और हर स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है और आप लोग विंडो करना भी सीख जाएंगे इस वीडियो को देखकर। अगर आप लोगों को विंडो इंस्टॉल नहीं करनी आती तो भी आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा, इस वीडियो में आप लोग विंडो इंस्टॉल करना भी सीख जाएंगे। तो इसका जो है बूट मेन्यू का की होता है वो F9 को अब हम प्रेस करते हैं बूट मेन्यू के लिए। तो सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं कि विंडो बूट का है, सबसे ऊपर हार्ड ड्राइव सिलेक्ट है, उसके नीचे जो है वो USB स्टोरेज है। तो हम USB को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। और विंडो बूट हो चुकी है। तो ये मेन मेन्यू आ चुका है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। ऊपर ये लैंग्वेज वगैरह आ रही है, अगर आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे इसको यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें, इंग्लिश लैंग्वेज में नेक्स्ट करते हैं। और इसके बाद इंस्टॉल नाउ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद IS एक्सेप्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना। इसके बाद कस्टम कर देना इंस्टॉलेशन। और यहाँ पर आप लोगों के जितनी भी पार्टीशन बनी होगी, जितनी भी ड्राइव बनी होगी, तो वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को जो फर्स्ट वाली विंडो की होगी उसमें आप लोगों को विंडो इंस्टॉल कर लेनी है। अब ये 4 नंबर वाली जो है वो सी ड्राइव बन रही है, तो इसको हमने करना है फॉर्मेट और इसमें फॉर्मेट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। और अब ये विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। लगभग ये 5 या 10 मिनट में विंडो जो है इंस्टॉल हो जाएगी। मैं वीडियो को ज़रा स्किप या फास्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो लंबी ना बने। करूंगा ये इस वीडियो को जितना भी शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बनाऊं ताकि आप लोग इस विंडो को सीख सकें। 21% हो चुकी है, 22, 3, लगभग 5-10 मिनट में ये विंडो जो है मुकम्मल इंस्टॉल हो जाएगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, बस कोई भी पॉइंट आप मिस ना कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी बाद में ना आए। बहुत ही आसान सा तरीका कारक है ये, सीडी ड्राइव से भी हो जाती है और USB पेन ड्राइव से भी आप लोग इसको ISO फाइल को विंडो में कन्वर्ट करके तो आप USB ड्राइव से भी विंडो कर सकते हैं। वो भी तरीकाकार मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं विंडो बूटेबल करना भी आप लोगों को बता दूंगा, बहुत ही आसान सा ट्रिक है। 65% हो चुकी है, 66, 7। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए शेयर ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे और वो भी फायदा हासिल कर सके। 94% हो चुकी है। और अब फाइल जो हो चुकी है कंप्लीट। और अब एक बार जो है वो सिस्टम जो है वो रिबूट होगा, उसके बाद बाकी की जो इंस्टॉलेशन एक फाइल रह जाती है वो इंस्टॉल होगी। F9 से आप लोगों ने इसको बूट कर लेना है। HP का ये लैपटॉप है, HP एलीट बुक 850 G3 मॉडल है इसका। सबके लिए एक ही मेथड होता है, ये i5 6 जनरेशन है। अब यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वैसे मैं इसे यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूं। और यहां पर आप लोगों ने यस कर देना है। इसके बाद यहां पर भी आप लोगों ने इसी ऑप्शन को रहने देना है और यस कर देना है। यहां पर आपने स्किप कर देना है और यहां पर आपने आई डोंट हैव इंटरनेट
इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहें तो कर लें, वैसे ना करें तो बेहतर होता है, क्योंकि वो आप लोगों को आगे चल के मैं बताता हूँ उसका क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद आप लोगों ने विदाउट लिमिटेड सेटअप इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, कोई भी लिखना चाहे तो। मैं यहाँ पर गेमर लिख देता हूँ। और इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है, और पासवर्ड अगर लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो आप ऐसे ही इसको रहने दें और नेक्स्ट कर दें। इसके बाद एक्सेप्ट कर लें तमाम ऑप्शन को, और उसके बाद फिर एक्सेप्ट ओके। डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। इस सेटअप पर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर को बंद होने नहीं देना। अगर लैपटॉप है तो कोशिश करें उसका अडाप्टर साथ लगा लें, अगर बैटरी लो होने का खर्चा है तो आप लोग अडाप्टर के साथ उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर अगर ये शट डाउन हो गया, बंद हो गया, तो आप लोगों की विंडो फाइल जो है वो करप्ट हो जाएगी, आप लोगों को दोबारा से विंडो करनी पड़ेगी। तो जी विंडो हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम राइट क्लिक करते हैं और नीचे पर्सनलाइज में जाकर माय कंप्यूटर का जो आइकॉन है उसको हम डेस्कटॉप पर शेयर कर लेते हैं। तो थीम में चले जाना है आप लोगों ने, और यहाँ पर आप लोगों को डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग कंप्यूटर और रिसाइकल बिन और कंट्रोल पैनल नेटवर्क यूज़र फाइल जो भी आप लोगों को चाहिए आप उस पर क्लिक करें और अप्लाई कर दें, और वो डेस्कटॉप पर आप लोगों को शो हो जाएगा। मुझे सिर्फ माय कंप्यूटर का आइकॉन चाहिए, इसलिए मैं माय कंप्यूटर को सिर्फ क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ ओके, और ये वाला आइकॉन जो है मेरा डेस्कटॉप पर आ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी इस तरह का मसला है तो आप लोग उसकी विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरह से विंडो इंस्टॉल होती है ये भी आप लोग इस वीडियो से सीख चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बार बार पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।